स्टार्ट करते हैं और लिबनीज़ डिफरेंशिएशन, ठीक, लिबनीज़ रूल। एक्चुअली इंटीग्रेशन को जब दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है राइटली नहीं डिफरेंशिएट किया जाता है, लिबनीज़ रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्यों, कैसे, देखते हैं एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी ठीक फ्रॉम फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स, इंटीग्रेट करने के बाद ना एक्स में लिमिट पुट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद एक्स में लिमिट पुट करेंगे कुछ एक्स का फंक्शन मिलेगा ना, इंटीग्रेट करके कुछ फंक्शन आएगा, उसमें अपर लिमिट एक्स के फॉर्म में पुट करेंगे, लोअर लिमिट भी एक्स के फॉर्म में पुट करेंगे, तो फाइनली एक फंक्शन दिखेगा, ठीक। बोलेगा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं, क्यों होता है थोड़ा प्रूफ कर रहे बाद में। पहले इस फंक्शन में टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दो, एफ ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू साई डैश एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश एक्स, ठीक है, यही होता है एफ डैश एक्स का वैल्यू। पहले अपर लिमिट पुट करना, एफ ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश एक्स। क्यों आया, कैसे वो बता रहे हैं, ठीक, यूज़ कर दो ना, अपर लिमिट पुट कर देना फंक्शन में सीधा, फंक्शन को डिफरेंस अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दे, फिर लोअर लिमिट पुट करके लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दे, देखते हैं कैसे आया। ये देखते हैं कैसे, लिबनीज़ रूल। हाँ तो लिबनीज़ रूल देखते हैं प्रूविंग इसका। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स, इसी को डिफ्रेंशिएट करना, ठीक, फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ये मान ले कुछ एक इसका एफ ऑफ टी इंटीग्रेट करने का, एफ ऑफ टी इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आया ना उस फंक्शन का नाम दे रहे एफ ऑफ टी, ठीक, फिर अपर लिमिट पुट कर देंगे साई ऑफ एक्स, लोअर लिमिट पुट कर देंगे फाई ऑफ एक्स, तो फाइनली क्या दिखेगा, एफ ऑफ साई ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स, ये आएगा ना। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर इस फंक्शन को कैपिटल जी ऑफ एक्स अस्यूम कर ले, तो जी डैश एक्स जी ऑफ एक्स का वैल्यू ये आएगा, सही है ना, जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मान ले कैपिटल एफ ऑफ टी एक फंक्शन आया, उसमें अपर लिमिट पुट कर दिए, लोअर लिमिट पुट कर दिए, इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल गया, जी डैश एक्स कितना होगा, जी डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश साइ ऑफ एक्स इंटू साइड एक्स माइनस एफ डैश फाइ ऑफ एक्स इंटू फाइव डैश एक्स, सही लिख रहे हैं। अच्छा एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन तो स्मॉल एफ ऑफ टी होगा ना, एफ कैपिटल एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन तो स्मॉल एफ ऑफ टी होगा, इंटीग्रेट करके जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर वही फंक्शन मिल जाएगा ना, तो एफ डैश साइ ऑफ एक्स को हम लोग एफ ऑफ साइ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो इसको हम लोग एफ ऑफ साई ऑफ एक्स लिख सकते हैं इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश एक्स, नहीं इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करो फिर डिफरेंशिएशन, काफी लेंथी हो जाएगा ना, अगर नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो इंटीग्रेट करो फिर लिमिट पुट करो फिर डिफरेंशिएट करो, काफी लेंथी हो जाएगा, लिबनीज़ तो बहुत बहुत इजी है। इस फंक्शन में सीधा टी के जगह पर फंक्शन पुट करो और डिफरेंशिएट इसको नहीं करना इसको करना, लिमिट तो जनरली इजी होता है ना, लिमिट तो जनरली इजी रहता है, तो डिफरेंशिएट करना भी है तो साई ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना और फाई ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, अरे आगे
तो लेबनीज रूल क्यों यूज करते हैं? फंक्शन को बिना इंटीग्रेट किए डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फंक्शन को बिना इंटीग्रेट किए डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक। इंटीग्रेट करने के बाद वापस से डिफ्रेंशिएट करना भी एक मेथड है, बट वो लेंदी हो जाएगा। बिना इंटीग्रेट किए डिफ्रेंशिएट करना, उसके लिए लेबनीज रूल यूज किया जाता है। क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब वन अपॉन ln t dt फाइंड डीवाई बाई dx, फाइंड डीवाई बाई dx। सेकेंड क्वेश्चन, इफ फ्रॉम साइन x टू वन t स्क्वायर f ऑफ t dt इक्वल्स टू वन माइनस साइन x, x belongs to 0 to pi by 2 open interval, 0 to pi by 2 open interval, find the value of f of 1 by root 3, f of 1 by root 3 का वैल्यू निकाल। फर्स्ट हो गया होगा ना, t के जगह अपर लिमिट पुट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy by dx, dy by dx equals to t के जगह अपर लिमिट पुट करो तो 1 बाई एल एन एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट कर, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1 बाई एल एन एक्स स्क्वायर इंटू 2x ओके डिफ्रेंसिएशन। सेकेंड क्वेश्चन बोला एफ ऑफ 1 बाई रूट 3 मीन्स एफ ऑफ एक्स के बारे में निकालना है ना, एफ ऑफ एक्स चाहिए हम लोग को ऐसे ही, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और इधर डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिबनीज यूज कर लेंगे, उधर नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इस साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपर लिमिट पुट किए, अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट किए, तो अपर लिमिट पुट किए तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 और 1 का डिफरेंशियल 0, माइनस टी के जगह साइन एक्स पुट कर, साइन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 को 0, माइनस साइन का माइनस कॉस, सही है ना। यह आ जाएगा तुम्हारा माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस कैंसिल हो गया, एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, नहीं साइन एक्स को टी मान ले तो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कितना आ गया, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1 बाई टी स्क्वायर, क्या टी के जगह पुट कर दे 1 बाई रूट 3, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ टू इक्वल्स टू 6 एट बेस्ट टू इक्वल्स टू 1 बाई 48, then evaluate integration limit x tends to 2, x tends to 2 from 6 to f of x 4t cube divided by x minus 2 dt, इसका वैल्यू निकालना है। लिमिट का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन यूज किया, एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर लेंगे ना, लिमिट का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन का यूज है, इंटीग्रेट थोड़ा कर पाएंगे इसको, ठीक। कर भी लोगे तो जब इंटीग्रेशन
एल ऑप्टल यूज करना फायदेमंद होगा ना, एल ऑप्टल रूल यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन लिबनीज रूल, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन लिबनीज रूल। हाँ बट अभी अंदर में टी भी है एक्स भी है, क्या करें इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल तो टी है ना, एक्स तो इसके लिए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। इस क्वेश्चन को लोग ऐसे लिख सकते हैं 4t³ dt फ्रॉम 6 to f(x) होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। एक बार चेक कर ले, एल ऑपिटल लगाने के लिए 0/0 फॉर्म होना चाहिए या ∞/∞ फॉर्म होना चाहिए। तो एक्स टेंड्स टू 2 तो यहाँ f(2) बन जाएगा ना, f(2) कितना गिवन है 6, तो 6 to 6 में इंटीग्रेशन कितना आएगा 0, और नीचे 2 पुट करने पे 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है ना। x को पुट कर 2, f(2) 6, 6 to 6 का इंटीग्रेशन 0, ये हो गया 0, और टेंड्स टू पुट करने पे नीचे भी 0 आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो लिमिट में एल ऑपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी डिफरेंशिएट करो नीचे भी डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा ना, तो t तो ऐसे ही दिया हो फालतू का, बाद में तो कन्वर्ट होकर x ही आना है इसको ना, ये x f(x) गिवन है, तो लिमिट से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 ऊपर आ जाएगा 4f(x) का होल क्यूब इंटू f'(x) माइनस 4 × 6 का क्यूब, और 6 का डिफरेंशियल 0, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 को डिफरेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, सही है। अब एक्स टेंड्स टू 2 पुट कर ले, एक्स टेंड्स टू 2 पुट करेंगे 4f(2) का होल क्यूब इंटू f'(2), दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, 4 × 6 का क्यूब इंटू 1/48 कितना से रहेगा 18। कभी भी लिमिट का क्वेश्चन हो हमने इंटीग्रेशन सिंबल यूज किया होगा, एल ऑपिटल अप्लाई कर लेना, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e^(x²dx) होल डिवाइडेड बाय 0 टू x e^(2x²), 0 टू x e^(2x²dx) क्या करेंगे, दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों लिमिट अप्लाई करेंगे ना, ऊपर भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है और नीचे भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है, तो दोनों में लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा पहले चेक कर लेते हैं 0/0 फॉर्म है या नहीं है, तो एक्स को पुट कर इन्फिनिटी e^(x²) तो बहुत ही रेपिडली इंक्रीजिंग होता है ना, तो e^(x²) का एरिया 0 to ∞ में गारंटी इन्फिनिटी आएगा, e^(2x²) का एरिया भी 0 to ∞ में गारंटी इन्फिनिटी आएगा, मीन्स ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। e^(x²) का ग्राफ तो ऐसा होता है ना, 0 से लेकर इन्फिनिटी में एरिया निकालोगे तो गारंटी इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म है ये, ठीक। मीन्स एल ऑपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर डिफरेंशिएट किए समथिंग का स्क्वायर को पहले 2 times समथिंग लिखेंगे, 2 × इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x e^(x²dx), फिर समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे लिबनीज रूल अप्लाई करके, x पुट कर दो e^(x²) आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे तो 0 हो जाएगा, इसको नहीं पुट करो, ठीक, क्योंकि इसको पुट करोगे फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे 0 से कैंटर, होल डिवाइडेड बाय इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x पे आएगा e^(2x²) इंटू 1, सही है,
अपर लिमिट पुट की अपर को डिफ्रेंशिएट किए, अच्छा लोअर लिमिट पुट करोगे लोअर को डिफ्रेंशिएट करोगे जीरो ही आएगा ना नेक्स्ट टर्म तो, ठीक है कुछ कैंसिल हो रहा क्या यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा। फिर से चेक कर फाइनाइट आया या अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है ना, अभी भी ये इन्फिनिटी होगा और ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा ना, अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। एक बार और एलोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, फिर से ऊपर डिफ्रेंशिएट किए, इस बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर, e टू दी पावर समथिंग का e टू दी पावर समथिंग इंटू टू एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। यहां तो नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, यहां तो लिमिट नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन सिंपल हट चुका है, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 बाय एक्स, एक्स टेंस टू इंफिनिटी लिमिट x tends to infinity आंसर क्या होगा जीरो। नेक्स्ट बोलते लेक्चर पढ़ के आना एक बार, y इक्वल्स टू 1 बाई एट टू साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 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 1 बाई एट टू कॉस स्क्वायर x, 1 बाई एट टू कॉस स्क्वायर x cos inverse x cos inverse root t dt। ठीक है x belongs to 0 to pi by 2। क्वेश्चन है x का वैल्यू गिवन है 0 to pi by 2, x belongs to 0 to pi by 2, then prove that the above function is linear and also finite sequence. तो प्रूफ करने के लिए जो फंक्शन लिखा हुआ ना y equals to x का फंक्शन लिखा ना, ये कुछ ना कुछ तो x का फंक्शन आएगा, पहले तो प्रूफ करना है कि वो लीनियर फंक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक, उसके बाद उसका इक्वेशन निकालना है। स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप तो कांस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, एक लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे, स्लोप जीरो करके डिफरेंशिएट करो, स्लोप जीरो दिखेगा, डिफरेंशिएट करते हैं स्लोप जीरो आ जाएगा और फिर वो कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर dy/dx इक्वल्स टू अपर लिमिट पुट करो तो साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स मीन साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू उसका डिफरेंशियल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट पे जीरो आएगा, ठीक है, प्लस ये वाला कॉस इनवर्स कॉस एक्स इंटू माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे वाला पुट करने फिर से जीरो आएगा। अच्छा साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स लिख सकते हैं क्या,
जीरो से पाई बाई टू दिया हुआ प्रिंसिपल इंटरवल है, लिख सकते हैं। तो इस दिया जाएगा सिंपली 2x या x साइन 2x और वो आ जाएगा माइनस x साइन 2x, कैंसिल होके जीरो। स्लोप आ गया जीरो, मीन्स कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, ठीक। अब वो कॉन्स्टेंट वैल्यू तो निकालना होगा ना, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट वैल्यू तो निकालना होगा। एक्स के जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी लेंगे, वाई तो हमेशा सेम आना चाहिए। जब ये फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो एक्स के जगह कुछ भी पुट कर दे, वाई तो हमेशा सेम आना चाहिए ना। क्या पुट करने से फायदा होगा? पाई बाय फोर, पाई बाय फोर पुट करने से देख दोनों सेम सेम हो जाएगा ना, कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट सॉल्व करना पड़ेगा। पाई बाय फोर को छोड़ के कुछ और पुट करोगे तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा। पाई बाय फोर में क्या फायदा होगा? दोनों सम के फॉर्म में आ जाएगा, पाई बाय टू हो गया, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग पाई बाय टू हो जाएगा ना, जब लिमिट सेम होगा तो ये पाई बाय फोर पुट करने से फायदा होगा। कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट फिर वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो किसी भी एक्स पे वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी एक्स पे वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, बट हम लोग यहाँ पे पाई बाय फोर पे निकालेंगे, ठीक, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा। तो वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स इक्वल्स टू पाई बाय फोर, वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स इक्वल्स टू पाई बाय फोर। दोनों का लिमिट सेम होगा, वन बाई एट से लेके वन बाय रूट टू का स्क्वायर वन बाय टू तक, और दोनों को एड भी तो कर सकते हैं ना, साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, और साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग कितना आएगा? पाई बाय टू, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय टू डी एक्स डी टी फ्रॉम वन बाय एट टू हाफ। तो पाई बाय टू को बाहर निकाल दे, वन बाय एट माइनस हाफ कितना हो गया? माइनस दस, माइनस नाइन, वन बाई एट माइनस हाफ कितना होगा? माइनस थ्री बाई एट ना, सॉरी हाँ, अपर लिमिट वन बाई टू लोअर लिमिट वन बाई एट, तो थ्री पाई बाई सिक्सटीन। फंक्शन क्या हो गया बेटा? वाई इक्वल्स टू थ्री पाई बाई सिक्सटीन, फंक्शन था वाई इक्वल्स टू थ्री पाई बाई सिक्सटीन। क्वेश्चन है, एफ फ्रॉम लेट एफ फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी टू जीरो टू इंफिनिटी, डोमेन भी जीरो टू इंफिनिटी है, कोडोमेन भी जीरो टू इंफिनिटी है, बी और डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइंग एक्स टाइम्स जीरो टू एक्स वन माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू जीरो टू एक्स टी टाइम्स एफ ऑफ टी डी टी, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो पहले भी दिया हुआ ना, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू वन गिवन है, डिटरमाइन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालो। ट्राई करो, दोनों से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। एफ ऑफ जीरो वन गिवन है, सॉरी एफ ऑफ वन वन गिवन है, हाँ एफ ऑफ वन वन गिवन है, साइन लिख देते हैं एफ ऑफ वन वन गिवन है। तो मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? देखो अगर इस पार्ट को उस साइड ले गए कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एक्स प्लस वन टाइम्स हो जाएगा, का डिफरेंशिएट। तो यू एंड यू भी दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन ये भी एक एक्स का फंक्शन है और ये वाला भी एक एक्स का फंक्शन है ना, इसको भी तो हम एक्स का फंक्शन मानेगा ना, इंटीग्रेट करने के बाद जब लिमिट पुट करेंगे तो एक्स का फंक्शन दिखेगा। तो इसका यू इन टू वी से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मली करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन लिमिट लगा के कर देंगे,
पहले इसको कांस्टेंट लिए, एक्स को कांस्टेंट लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो अपर लिमिट पुट करो 1 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स और एक्स का डिफरेंशियल 1, नहीं लोअर लिमिट पुट करना नहीं, जीरो हो जाएगा वो, प्लस इसको कांस्टेंट लिए 0 टू एक्स 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, इसको कांस्टेंट लिए और एक्स को डिफरेंशिएट किए 1 इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट कर लेबनी सिर्फ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है एक बार और डिफरेंशिएट करते ठीक, ताकि ये भी इंटीग्रेशन साइन गायब हो जाए, फिर एफएस और एफएक्स में रिलेशन आ सके, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अभी क्या कर पाएंगे कुछ तो नहीं कर पाएंगे ना, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो साइड ले जाओ, इधर क्या टर्म आएगा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स ना, प्लस जीरो टू एक्स 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, रिटर्न कैंसिल हो गया, तो फ्रॉम 0 टू एक्स 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, एक बार और डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, क्या फिर से डिफरेंशिएट करेगा, अगर लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो 1 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए 2x, एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट लिए, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लिए, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए, एफ ऑफ एक्स टाइम्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स टाइम्स 1 माइनस 3x ना, एफ ऑफ एक्स टाइम्स 1 माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ प्लस एक्स, एफ डैश एक्स को इस साइड ले जा, तो एफ ऑफ एक्स को उस साइड ले जा, तो 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, ये लॉग एफ एक्स बन जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो दोनों साइड dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx equals to integration of f dash x upon f x dx, सही है, इसको क्या करें इंडिविजुअली, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x square minus 3 times x by x square means 1 by x, ठीक है 1 by x square minus 3 by x, सही है equals to ln f of x ना, ln f of x 1 by x square का minus 1 by x और minus 3 ln x equals to ln f of x plus c, c का value निकालने के लिए एक point तो दिया हुआ ना, x equals to 1 पे y का value 1 आएगा, x equals to 1 put कर दे, y का value भी 1 put कर दे, x equals to 1 put के दिया आएगा minus 1 and x equals to 1 y equals to 1 दिया है ना, आ गया माइनस वन, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो इक्वल्स टू सी, सी का वैल्यू आ गया माइनस वन, मिल गया फंक्शन, का इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत यूज करता है ठीक, हम बहुत बार ऐसा होता है कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स में रिलेशन आता है, वहां से फंक्शन निकालने बोलता है बहुत बार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y equals to 0, if y equals to, if y equals to from 0 to x f of t sine k times x minus t dt, okay? Then prove that d2y by dx2 plus k squared y equals to k times f of x. Okay.
क्या करेंगे, पहले डी बाई डी एक्स निकालना है, डी टू बाई डी एक्स निकालना, दो बार तो डिफरेंशिएट करना होगा ना, इसको दो बार डिफरेंशिएट करने जा रहा है। ठीक, अच्छा इसमें एक्स भी फंसा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में होता है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फंक्शन के अंदर भी एक्स है, उसको किसी ना किसी में पहले बाहर निकालना होगा, वरना यू इंटू की कैसे यूज कर पाओगे। ऐसा मत करना कि सर अपर लिमिट पुट करके, अपर लिमिट को यहां नहीं कर सकते अभी। ठीक, यहां ऐसा मत करना कि टी के जगह एक्स पुट कर देना और साइन जीरो जीरो बोल देना, क्योंकि यहां पहले से एक्स फंसा हुआ और ये वेरिएबल है डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में, तो अगर ये एक्स का टर्म इससे बाहर होगा तो वो काम कर सकते हैं, अंदर सिर्फ टी का फंक्शन होना चाहिए। लिबनीज जो यूज किए थे वहां पे वेरिएबल में सिर्फ टी था ना, और टी के जगह लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये यूज अभी नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सपैंड कर लेते पहले, इधर कैसे लिख रहे इसको, y इक्वल्स टू फ्रॉम जीरो टू x f ऑफ t, इसको रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर, तो साइन के एक्स कॉस के टी माइनस कॉस के एक्स साइन के टी कॉस के एक्स साइन के टी, ठीक है dt। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दे, तो फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं जीरो टू एक्स, देखिए देख फर्स्ट पार्ट में साइन के एक्स को बाहर निकाल रहे हैं, साइन के एक्स को, तो साइन के एक्स इन टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी कॉस के टी डी टी, कुछ ज्यादा ही पीला नहीं है, पहले भी चौक लाते थे इस तरह में ऐसा पीला नहीं होता था। साइन के एक्स एफ ऑफ टी कॉस के टी डी टी, इसमें क्या करें, कॉस के एक्स को बाहर निकाल लेंगे, माइनस कॉस के एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी साइन के टी डी टी फ्रॉम जीरो टू एक्स, अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, अब डिफरेंशिएट करोगे तो u into v वैसे डिफरेंशिएट करना होगा, नहीं ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल से डिफरेंशिएट करना होगा, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल से डिफरेंशिएट करना होगा। जल्दी बोलो, साइन के एक्स का के कॉस के एक्स, इसको कॉन्स्टेंट मान, जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी कॉस के टी डी टी प्लस साइन के एक्स को कांस्टेंट लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स कॉस के एक्स ना, एफ ऑफ एक्स कॉस के एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉस के एक्स माइनस माइनस, इसमें देख कॉस के एक्स का माइनस के साइन के एक्स, और उस केस में इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी साइन के टी डी टी, और एक टर्म आएगा कॉस के एक्स को कॉन्स्टेंट एज्यूम किए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स साइन के एक्स कैंसिल हुआ, ये वाला टर्म कैंसिल, ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, और कुछ नहीं, कुछ कैंसिल नहीं होगा। फिर दो टर्म आया कि डी बाई डी एक्स है, के कॉस के एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी कॉस के टी डी टी प्लस के साइन के एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी साइन के टी डी टी, एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि डी टू वाई बाय डी एक्स टू चाहिए। सही है, चलो फिर से डिफरेंशिएट कर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू k
के कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स, इसको कॉन्स्टेंट ले तो जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी कॉस के टी डी टी, ठीक है, प्लस के कॉस के एक्स को कॉन्स्टेंट लिए और इंटीग्रेशन वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कॉस के एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉस, एफ ऑफ एक्स कॉस के एक्स होगा ना कॉस स्क्वायर के एक्स, ठीक है, प्लस ये वाला तो के स्क्वायर कॉस के एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी साइन के टी डी टी, ठीक है, प्लस के साइन के एक्स, के साइन स्क्वायर के एक्स ना इफ एफ ऑफ एक्स, नहीं एक और से यहां से आ जाएगा के साइन के, के साइन स्क्वायर के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इस दोनों को मॉडिफाई कर लें तो माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी कॉस के टी डी टी, ठीक है, और के स्क्वायर कॉस के एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी साइन के टी डी टी, और जो दूसरा टर्म बचेगा इस दोनों को ऐड कर के टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ना के एफ ऑफ एक्स आ चुका है, डी टू आगे डी एस टू आ चुका है, इसको सेट करो टेस्ट करो, ये तो एफ एक्स ही तो है, हाँ तो गया इसमें से माइनस के स्क्वायर कॉमन हो ना, माइनस के स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन के एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी कॉस के टी डी टी माइनस 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 कॉस के एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ टी साइन के टी डी टी इक्वल प्लस के वाई के एफ ऑफ एक्स, ये तो वाई है ना फंक्शन, देख जो फंक्शन स्टार्टिंग रहा है तो वही है, फाइनली आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, सही है, चलो फिर से ट्राई कर सकते,
चलो बस रिपीट कर रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 0 टू x cos t स्क्वायर dt डिवाइड बाय x लिमिट निकालना है. फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन. फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 0 टू x t टाइम्स t माइनस 1 t माइनस 2 dt. इफ फ्रॉम पाई बाय 3 टू x अंडर रूट 3 माइनस sin स्क्वायर t dt प्लस 0 टू y cos t dt इक्वल्स टू 0 फाइंड डिवाइड बाय dx. नेक्स्ट है, लेट f बी अ कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f(x) इक्वल्स टू 0 टू x sin t स्क्वायर माइनस t प्लस x dx. देन प्रूव दैट f डबल डैश x प्लस f(x) इक्वल्स टू cos x स्क्वायर प्लस 2x sin x स्क्वायर. पहला हम लिमिट सॉल्व करने पर चेक कर रहे थे कौन सा फॉर्म है. इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम 0 टू x cos t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय x. 0 टू 0 ये ऊपर भी 0 आ गया नीचे भी 0 आ गया ना, 0 बाय 0 फॉर्म है. लिमिट सॉरी एल ऑर्बिटल लगा के डिफरेंशिएट करो ऊपर नीचे. एल ऑर्बिटल लगा के लिमिट का वैल्यू निकाल रहे हैं. ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x स्क्वायर, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0 का वैल्यू हो गया 1. सेकंड फंक्शन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पे कमेंट करना है तो f डैश x निकालना होगा ना, और f डैश x निकालने के लिए लिमिट्स लगाकर डिफरेंशिएट करना होगा. दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, LHS को डिफरेंशिएट करेंगे तो f' x आ जाएगा और RHS को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट्स लगा के डिफरेंशिएट करना होगा ना. अपर लिमिट पुट किए x, तो x इनटू x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 नहीं, और x का डिफरेंशिएशन 1. तो f' x तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आया, 0 1 2. साइन चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो f' x अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव के तो मिनिमम, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम x इक्वल्स टू 0 एंड 2. f' x स्लोप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो मिनिमम होता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो मैक्सिमम. तो f' x नेगेटिव टू पॉजिटिव 0 के क्रॉस हो रहा है और 2 के क्रॉस हो रहा है, तो 0 एंड 2 को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम. क्लियर है. तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन, इस पूरा को ना एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ठीक, इस पूरा को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अपर लिमिट पुट किए अंडर रूट 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1, प्लस अपर लिमिट पुट किए कॉस वाई, और y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dy by dx equals to 0. तो dy by dx कितना आएगा, dy by dx equals to minus of under root 3 minus sin square x divided by cos y. बहुत जल्दी हो रहा है. फोर्थ नंबर देखो, पहले तो अभी डिफरेंशिएट डायरेक्टली नहीं करेंगे ना, अगर मैं एक्स फंसा हुआ है सॉरी यहाँ dt अंदर में एक्स फंसा हुआ है तो अभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, पहले एक्स को बाहर निकालो. ठीक, तो साइन ए प्लस बी से ब्रेक कर रहे हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स साइन t स्क्वायर माइनस t cos x प्लस cos t स्क्वायर माइनस t sin x dt. दो टर्म में सेपरेट कर दो. पहला आ जाएगा cos x फ्रॉम 0 टू x sin t स्क्वायर माइनस t dt प्लस sin x 0 टू x
cos of t square minus t dt. सही है, वह आगे दो बार डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन से हिंट मिल रहा है कि f डैश x प्लस f x निकालना है, f डैश x निकालना है पहले, डिफरेंशिएट कर कितना आएगा, cos x में माइनस साइन x, cos x को डिफरेंशिएट किए इसको कांस्टेंट लेंगे 0 टू x, साइन t स्क्वायर माइनस t dt प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos को कांस्टेंट लेंगे cos x * sin x स्क्वायर माइनस x, सही है ना, प्लस cos x फ्रॉम 0 टू x cos ऑफ t स्क्वायर माइनस t dt, फिर प्लस sin x into cos of t स्क्वायर माइनस t x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, सब कुछ सही है ना, डिफरेंशिएट करो f डबल डैश x इक्वल्स टू सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, cos a sin b sin a cos b उसको f के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, cos a sin b sin a cos b, तो cos ऑफ a प्लस b लिखेंगे ना, तो cos ऑफ a प्लस सॉरी sin ऑफ a प्लस b लिखेंगे, सिर्फ sin x स्क्वायर आ जाएगा ना, इसको हटा के sin x स्क्वायर करते हैं, इसको हटा के sin x स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, f dash x equals to minus sin x from 0 to x sin t squared minus t dt plus sin x squared sin what na? Sin a cos b cos a sin b sin x squared plus cos x integration from 0 to x cos t squared minus t dt. Now differentiate to this one. F double dash x equals to तो माइनस साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स 0 टू एक्स साइन टी स्क्वायर माइनस टी डी टी, ठीक है, प्लस माइनस साइन को कांस्टेंट लो माइनस साइन एक्स और इसको डिफरेंशिएट कर दो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो कॉस का माइनस साइन 0 टू एक्स 0 टू एक्स कॉस टी स्क्वायर माइनस टी डी टी, और एक टर्म और आएगा कॉस को कॉन्स्टेंट लो इसको डिफरेंशिएट करो तो कॉस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सही है, मॉडिफाई कर इंटीग्रेशन का दो टर्म करो, तो पहले इंटीग्रेशन वाला दो टर्म में माइनस कॉमन निकालो, ये आ जाएगा ना एफ ऑफ एक्स, फिर से ये आ जाएगा, देख माइनस कॉमन निकालो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ना, पक्का, कॉस एक्स साइन टी स्क्वायर माइनस टी साइन एक्स कॉस टी स्क्वायर माइनस टी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक, तो माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको देखो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, माइनस कॉमन ले ले cos a cos b minus sin a sin b, cos of a plus b लिख सकते हैं ना, cos x square plus cos x square plus 2x sin x square plus 2x cos x square, cos a cos b minus sin a sin b, cos a plus b हो जाएगा और से cos x square आएगा 2x cos x square, आंसर क्या प्रूव करा था, टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर, कुछ गलती की है क्या,
कॉस का माइनस साइन, इस पर साइन छोड़ दिए, कॉस को रहने दिए, इसको डिफ्रेंशिएट के साइन आएगा, साइन को डिफ्रेंशिएट के इसको छोड़ दिए, साइन को ऐसे ही रहने दिए, उसको डिफ्रेंशिएट के कॉस है साइन है कॉस की, कॉस है साइन की, साइन का ही टर्म आएगा, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस का टर्म आएगा, कॉस का ही टर्म होगा। चेक कर रहा था प्रोफेसर फिर से चेक सही होना चाहिए क्योंकि जिस तो गारंटी साइन आएगा, साइन को डिफरेंशिएट पॉसिबल हो जाएगा, और गलती होगा भी तो इसी टर्म में होना चाहिए क्योंकि यही 2x वाला मैच नहीं कर रहा ना। सही हो फटा चेक कर रहे हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन टू टू एक्स f of t dt equals to x square by 2 plus x to 2 t square f of t dt. Find f of x. पता है ऐसे क्वेश्चन में लिमिट्स का बहुत यूज होता है, इसमें वही करना है कुछ डिफ्रेंशिएट करते जाओ, f test x और f x में रिलेशन आएगा, फिर दोबारा इंटीग्रेट करके फंक्शन निकाल लेंगे। ट्राई करो चलो दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो दोनों साइड इसमें लिमिट लगा ले, तो x खुद की f of x x का डिफरेंशियल 1 इक्वल्स टू 2x बाय 2x प्लस 2 पुट करके 0 आएगा माइनस x स्क्वायर f of x, ये होगा ना। तो f of x को बोल ले f of x into 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू x, f of x इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ना। नेक्स्ट लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f of x equals to x square plus 0 to x e to the power minus t f of x minus t dt. Question: find f of x. Try cut. तो जब डिफरेंशिएट करते हैं, अच्छा डिफरेंशिएट करने से पहले एक्स को बाहर निकालना होगा, एक्स फंसा हुआ था ना, एक्स अंदर फंसा हुआ, फिर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सुन ले।
एक्स अंदर फंसा हुआ लीकेज अप्लाई अभी नहीं कर सकते, बाहर निकालना, किंग्स लगा दी पहले, इसमें किंग्स लगा रहे, ठीक। तो टी की जगह पुट करेंगे एक्स माइनस टी ना, टी की जगह पुट करेंगे एक्स माइनस टी, एक्स स्क्वायर प्लस फ्रॉम जीरो टू एक्स ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस टी, और ये एफ ऑफ टी बन जाएगा ना डी टी, इसको हम लोग ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर टी लिख सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर टी ये लिख सकते हैं ना, हो गया एक्स बार, ई टू दी पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल दें, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट करें दोनों साइड, देन एफ प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स, इसको यू इंटू वी से डिफरेंशिएट करेंगे, ई टू दी पावर एक्स का माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और इसका लिमिट से सॉरी कॉन्स्टेंट ट्रेड करेंगे अभी, जीरो टू एक्स ई टू दी पावर टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स को रह रहे थे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, e टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, सही है देखो, सही है ना, हाँ बोलो, e टू दी पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स को इस साइड लिया, इस साइड लिया तो एफ डैश एक्स माइनस प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर, इक्वल्स टू टू एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स जीरो टू एक्स ई टू दी पावर टी एफ ऑफ टी डी टी, चलो ई टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स में प्लस एक्स, ई टू दी पावर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं सब कुछ नहीं आता, इसको फंक्शन क्या है थोड़ा देखते हो, ये तो फंक्शन है ना, e टू दी पावर, हाँ इसको लिख सकते हैं f of x minus x square, आप सेट कर दें, आ जाएगा तुम्हारा f plus x, f plus x equals to f of x square, उसी साइड इस f of x को plus 2x, अच्छा इसको हम लोग इसको e टू दी पावर माइनस एक्स जीरो टू x, इसको हम लोग f of x minus x square लिख सकते हैं ना, f of x minus x square पुट कर दें वहां पे f of x minus x square, ठीक है, f of x minus x square, ये और भी गलती हो रहा है, f of x कैंसिल हो गया, अब सही है, f plus x equals to 2x plus x square, इंटीग्रेट करके फंक्शन निकालते हैं, तो f of x का वैल्यू कितना आएगा, x square plus x cube by 3 plus c, ठीक है, c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x equals to 0 पे ढूंढ दो, x equals to 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, ये 0, ये भी 0, एफ ऑफ जीरो जीरो हो गया, सी का वैल्यू कितना आएगा, जीरो, फंक्शन यही हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है f of x satisfy the relation, f of x satisfy the relation, f of x satisfy the relation
एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स कॉस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू साइन एक्स. फाइंड एफ ऑफ एक्स. चलो एक मिनट देते हैं फिर ट्राई करना. ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है. यहाँ पे तो ये कांस्टेंट चीज होगा, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो कांस्टेंट आएगा ना. हाँ, साइन एक्स को बाहर निकालने के बाद, साइन एक्स को बाहर निकालने के बाद क्योंकि लिमिट तो टी में पुट करेंगे ना, एक्स में थोड़ा ना पुट करेंगे. तो एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स साइन एक्स जीरो टू पाई बाई टू cos t f of t dt equals to sin x. ऐसा कुछ है ना. तो इस कांस्टेंट को ना, ये कांस्टेंट f of x पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट f of x पे डिपेंड कर रहा है ना. इस कांस्टेंट को कुछ एज्यूम कर लिया जाता है a, क्या फर्क पड़ता है a, बाद में का वैल्यू देखेंगे. तो इस फंक्शन को हम लोग f of x equal minus lambda times a sin x equals to sin x लिख सकते हैं ना. ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x टाइम्स 1 प्लस लैम्डा a लिख सकते हैं ना. सही आता है. अब हम लोग को fx मिल चुका है. ठीक, f ऑफ x मिल चुका है और लैम्डा a का वैल्यू नहीं पता है, निकालने के बाद में a का वैल्यू लैम्डा तो गिवन है पहले से. अब a को फिर से यूज करो, जिसको a एज्यूम किया था ना उसको फिर से यूज करते हैं और वहां पे f ऑफ x का वैल्यू ये पुट कर देंगे. ए को फिर से यूज करेंगे और वहां पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे. ठीक, तो फॉर्म क्या देखिएगा रिलेशन. एफ ऑफ एक्स माइनस सॉरी इक्वल्स टू ए किसका एसम किए थे जीरो टू पाई बाई टू कॉस टी एफ ऑफ टी. एफ ऑफ टी क्या होगा, वन प्लस लैम्डा इंटू ए साइन टी डी टी. सही है, वन प्लस ए लैम्डा तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दें. ए इक्वल्स टू वन प्लस लैम्डा टाइम्स ए जीरो टू पाई बाई टू जीरो टू पाई बाई टू साइन टू टी बाई टू. सही है ना. अब यहां से ए का वैल्यू मिल जाएगा, और ए का वैल्यू मिल गया तो फंक्शन मिल गया. यहां से ए का वैल्यू मिल जाएगा और ए का वैल्यू मिल गया तो पुट कर देंगे फंक्शन मिल जाएगा. ए इक्वल्स टू वन प्लस लैम्डा टाइम्स ए बाई टू और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन टू टी का माइनस कॉस टू टी बाई टू फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू. तो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स a होल बाई टू कितना, कॉस पाई बाई टू पुट करेंगे तो माइनस हाफ सॉरी प्लस हाफ, पाई बाई टू पुट करेंगे तो पाई बन जाएगा, कॉस पाई माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस हाफ प्लस हाफ और माइनस जीरो पुट करेंगे तो माइनस वन थ्री बाई टू आ जाएगा ना सॉरी. हाँ सही, a इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा टाइम्स a बाई फोर इंटू थ्री ना, ऐसे a का वैल्यू निकाल दें. 4a माइनस थ्री लैम्डा a इक्वल्स टू थ्री, a का वैल्यू आ जाएगा 3 अपॉन 4 माइनस थ्री लैम्डा. लैम्डा तो नोन था, पुट कर देंगे फंक्शन मिल जाएगा. तो f ऑफ x कितना हो गया, f of x equals to sin x into 1 plus 3 lambda divided by 4 minus 3 lambda. Add करते 3 lambda cancel हो जाएगा. तो finally f of x कितना आएगा, 4 times sin x divided by 4 minus 3 lambda.
x equals to sin x plus question है f of x equals to sin x plus integration from minus pi by 2 to plus pi by 2 minus pi by 2 to plus pi by 2 sin x plus t cos x f of t dt sin x plus t cos x f of t dt try that find f of x प्लस कॉस एक्स को बाहर निकाल दे टी एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू एक को कैपिटल ए एज्यूम कर ले और एक को कैपिटल बी दोनों कॉन्स्टेंट है ना दोनों कॉन्स्टेंट है एक को कैपिटल ए एज्यूम कर लो एक को कैपिटल बी एज्यूम कर लो फंक्शन मिल जाएगा उसी फंक्शन का फिर से ये और दोनों यूज कर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा साइन एक्स टाइम्स वन प्लस ए प्लस बी कॉस एक्स फंक्शन ना फिर से ए को लिखो ए क्या था मेरा ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी एफ ऑफ टी में यही फंक्शन लिखेंगे साइन टी वन प्लस ए साइन टी वन प्लस ए प्लस बी कॉस टी डी टी फ्रॉम माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू इंटीग्रेट करके ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा सिमिलरली दूसरा रिलेशन बी से आएगा कितना होगा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू में साइन का इंटीग्रेशन जीरो और फंक्शन है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में कॉस का इंटीग्रेशन टू नहीं एक क्रश का पीरियड टू होता है ना तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया टू टाइम्स बी ए इक्वल्स टू टू टाइम्स बी पहला ए का उसके साथ का बी के साथ तो बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी टाइम्स एफ ऑफ टी डी टी तो टी साइन टी इंटू वन प्लस ए प्लस बी टी कॉस टी डी टी अब ये तो ऑड फंक्शन हो जाएगा टी कॉस टी कॉस इवन है टी ऑड है ऑड फंक्शन हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन जीरो इसका जीरो हो जाएगा इसको सोचो बाय पार्ट्स लगाओ हटा इसको बाय पार्ट्स लगाते हैं टी को डिफरेंशिएट करेंगे साइन को इंटीग्रेट करेंगे ठीक तो इसको टू टाइम्स जीरो टू पाई बाय टू कर लें इवन फंक्शन है बी इक्वल्स टू टू टाइम्स जीरो टू पाई बाय टू टी साइन टी बाहर वन प्लस ए टू टाइम्स वन प्लस ए t sin t dt ये तो जीरो हो गया ना लगा दे बाय पार्ट्स ये किंग्स लगा दे एक बार बाय पार्ट्स लगा दे एक बार बाय पार्ट्स का मतलब क्या आएगा t को t into sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t का आ जाएगा इंटीग्रेशन फिर से sin t फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू कितना होगा पाई बाई टू पुट करने पे जीरो वन आ गया जीरो पुट करने पे ये भी जीरो ये भी जीरो ये फाइनल कितना हो गया वन वन इंटू टू प्लस ए बी इक्वल्स टू वन इंटू टू प्लस टू टाइम्स वन प्लस ए इक्वल्स टू टू भी पता है पुट कर दे ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा तो बी के जगह ए के जगह पुट कर दे टू बी बी इक्वल्स टू टू प्लस टू ए टू ए मीन्स फोर बी 3b equals to minus 2, b equals to minus 2 by 3. और a का वैल्यू कितना आएगा? a का वैल्यू minus 4 by 3. a और b में क्या फंक्शन मिल गया? इसमें पुट कर देंगे a और b का वैल्यू फंक्शन मिल जाएगा. कहाँ? ये साइन होगा?
ये साइन होगा कॉस होगा ना, इंटीग्रेशन के अंदर कॉस जाएगा तो वापस फिर साइन आ जाएगा ना, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस तो फिर से साइन बन जाएगा ना। सही है, f of x equals to x plus if f of x equals to x plus x plus 0 to 1 t times x plus t 0 to 1 t times x plus t dt, sorry, f of t dt, f of t dt, find 23 by 2 f of 0, try to sit at question, I will give you again, a or b wala, try to. एग्जैक्टली उसी टाइप का है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस इसमें से टी एक्स एफ ऑफ टी, एक्स को बाहर निकालते टी एफ ऑफ टी हो जाएगा, टी एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम जीरो टू वन, और सेकेंड वाला टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम जीरो टू वन, इसको ए एज्यूम कर ले, इसको बी एज्यूम कर लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस x टाइम्स a प्लस b, ठीक है। अब a के साथ डील करते हैं, a क्या था 0 टू 1 t टाइम्स f ऑफ t, f ऑफ t इसको यूज कर, f ऑफ t में लिखेंगे 1 प्लस t प्लस a t प्लस b dt फ्रॉम 0 टू 1, तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस a टाइम्स t क्यूब बाय 3, t क्यूब बाई 3 ना, t क्यूब बाई 3 a टाइम्स t क्यूब बाई 3 प्लस b टाइम्स t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, नहीं अपन इक्विवेलेंट करेंगे फ्रॉम 0 टू 1, तो पहला रिलेशन आया 1 पुट कर दें, 1 पुट करें 1 बाई 3 प्लस a बाई 3 प्लस b बाई 2, सही है, और लोअर में कितना आएगा 0 इक्वल्स टू a, एक रिलेशन बी से आएगा, चलो बी देखते हैं, बी क्या है टी स्क्वायर एफ ऑफ टी, तो बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी मीन्स टी प्लस ए टी प्लस बी डी टी, तो b
बी इक्वल टू टी क्यूब, तो टी टू दी पावर 4/4 प्लस ए टी स्क्वायर, ए टी क्यूब, ए टाइम्स टी टू दी पावर 4/4 प्लस बी टाइम्स टी क्यूब बाई 3, 0 टू 1, 1 पुट करेंगे तो बी इक्वल टू अपर लिमिट पुट कर 1/4 प्लस ए बाई 4 प्लस बी बाई 3, लोअर लिमिट कितना आएगा 0। सॉल्व करके और भी निकाल लेंगे। सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लें तो 3a 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, 3a माइनस 8 2a हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2b, और दूसरा आएगा 4b इक्वल्स टू 1 प्लस a प्लस 4b बाई 3, ठीक है, माइनस कर दो 12 माइनस 4 कितना होगा 8 बी बाई 3 इक्वल्स टू 1 प्लस a का वैल्यू पुट कर दे, a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, a का वैल्यू आ जाएगा 1/2 प्लस 3/4b, सॉल्व करके b निकाल लो, 8 बाई 3b माइनस 3/4b इक्वल्स टू 3/2, एलसीएम ले, एलसीएम लेंगे 32 माइनस 9 कितना होगा 20, 32 माइनस 9 23 बाई 12b इक्वल्स टू 3/2, 2 से 6 टाइम्स 23 बाई 18, बी का वैल्यू हो गया 18 बाई 23, और ए का वैल्यू कितना होगा, ए यहां से निकालते हैं 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 3/2b, 3/2 इंटू 18 बाई 23 9, 2a equals to 27 by 23 plus 1, तो 27 by 23, 27 plus 23 कितना होगा 50, 50 by 23 आ जाएगा, कैंसिल कर दो 2 से, 25 by 23 आ जाएगा, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, फंक्शन मिल गया, फंक्शन कितना आएगा, फंक्शन कितना आएगा, f of x equals to x times 1 plus a, 1 प्लस ए का वैल्यू 48 बाई 23 प्लस बी 18 बाई 23, क्वेश्चन क्या पूछा उसे, 23 बाई 2 टाइम्स एफ ऑफ 0, 23 बाई 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 18 बाई 23 9, ठीक है, दो क्लास और लगेगा ऑलमोस्ट, एक क्लास में इनइक्वालिटी बताएंगे और दूसरे क्लास में अल्फा बीटा गामा, सॉरी बीटा गामा फंक्शन और वालिस थ्योरम, ठीक है।